नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित त्रिवेदी। मैनपुरी के दन्नार थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी चाचा ने मासूम को 2 महीने तक लगातार दुष्कर्म करने के बाद गर्भवती कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट। मैनपुरी के दन्नार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मजदूर परिवार की किशोरी गर्भवती हुई तो माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पीड़िता ने बताया कि परिवार का ही एक युवक 2.5 महीने से डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। उधर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जिला अस्पताल क्यों आए आप? लड़की नातिन को लेके आए। क्या हो गया नातिन को? नातिन को वो लड़की ने लगातार किया था। कब हुआ? हो गया 2-2.5 महीने। फिर आज ही क्यों आया? वो चिल्लानी थी उस सुबह। हाँ, तेज में कोई आया नहीं पाया। हाँ, तो उसने धमकी दिया। हाँ, कट्टे से दिखा करके कि तेरे बाप को, बाबा को, सबको, घर को जान से मार देंगे अगर कहीं तो। कितनी पुरानी घटना है ये? ये 2-2.5 महीने हो चुके। अभी डॉक्टर ने क्या बताया? अभी उसके पेट में बच्चा हो गया, बच्चा हुआ है। कितने दिन का बताया? 2-2.5 महीने का बताया है। FIR हो गई आपकी? हाँ जी, FIR हो गई जी। कोई पकड़ा गया अभी तक? क्या नाम है आपका? क्यों आई हैं आप यहाँ महिला अस्पताल में? बेटी को लाया। क्या हो गया बेटी को? बेटी 3 महीना गर्भवती। 3 महीने की गर्भवती है? कैसे हुआ? अच्छा, तो आपने पुलिस में FIR नहीं कराई थी? तब नहीं कराई है, बताई नहीं थी। बताई? अच्छा, बिटियान बताई नहीं थी। तो मुकदमा लिख गया आपका? कितनी उम्र है बेटी की? 16 साल। बेटा, क्या बात हो गई आपके साथ? बता दीजिए कुछ, क्या हुआ? बता दीजिए। मेरे पड़ोसी में चाचा जी थे। हाँ। इन्हें मेरे पास छत पे उल के नीचे आ गए हैं। हाँ। मेरी छेड़खानी कर रही है, कमरा में खींच के ले गए। अच्छा, तो तुमने तब अपने घर वालों को नहीं बताया? कितने दिन पुरानी बात है ये? 2 महीना। तब नहीं बताया था घर में? दिया क्या कह दिया था? तुझको मार दूंगा, तुझको, पापा, मम्मी को मार दूंगा, जान से बताया अपनी मम्मी को। तो सर, एक दन्नार थाना क्षेत्र के गांव में परिजनों ने तहरीर दी है कि उनकी किशोरी के साथ दुष्कर्म का किया गया है। क्या पूरा थाना दन्नार क्षेत्र के गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना की रिपोर्ट थाने पर दी गई है। संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, अभियुक्त की तलाश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।